हेलो दोस्तों, मैं नाम आशीष शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं मिस्टर रावण पे। और जो आज की टेक्निक्स होने वाली है काफ़ी अमेजिंग होने वाली है दोस्तों। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपको आने वाला है मज़ा आज। तो शुरुआत करते हैं रियलमी से। रियलमी का जो X7 मैक्स था वो 31 मई को इंडिया के अंदर आने वाला है। उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी दोस्तों, और डायमेंसिटी का 1200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन होने वाला है, यानी कि आपको गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और कैमराज भी कुछ कम नहीं होने वाले, 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाला है, और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं बस इसका वेट कर रहा हूँ कि इसका प्राइस कितना होने वाला है, बाकी देखते हैं हमें रियलमी क्या देता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है क्लब हाउस ऐप की। क्लब हाउस ऐप अभी ही एंड्रॉइड के अंदर आई थी और उसने एक वीक के अंदर ही दोस्तों 1 मिलियन डाउनलोड्स हासिल कर लिए हैं। उसके अंदर आपको पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये एक ऑडियो बेस्ड सोशल ऐप है। अगर आप इंटरेस्टेड है एक ऑडियो बेस्ड सोशल ऐप के अंदर, तो दोस्तों आप भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। दोस्तों अगली खबर आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी का भी नया टीवी आने वाला है वन प्लस की तरह, और उसका नाम है 4A40 होरिजन एडिशन। दोस्तों इसके अंदर आपको बेजललेस स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, काफी अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। बस देखते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, Xiaomi क्या हमें प्रोवाइड करवाता है उस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी उम्मीद तो यही करते हैं कि काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बाकी देखते हैं कि लॉन्च के टाइम हमें क्या देखने को मिलता है इसके अंदर। दोस्तों अगली खबर आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus का एक स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, यानी कि इंडिया के अंदर OnePlus का एक स्मार्टफोन आने वाला है, और वो नोड सीरीज से होने वाला है, नोड का सक्सेसर होने वाला है, और उसका नाम शायद से नोड CE 5G हो सकता है दोस्तों, या फिर नोड 2 हो सकता है। काफ़ी अमेजिंग होने वाला, डायमेंसिटी का 1200 वाला प्रोसेसर हो सकता है इसके अंदर दोस्तों, और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये स्मार्टफोन दोस्तों। मैं तो वेट कर रहा हूँ क्योंकि नोड काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, उसका सक्सेसर भी अच्छा होने वाला है, और हमें बजट प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलने वाला है ये स्मार्टफोन। दोस्तों अगली खबर है iQOO की तरफ से। iQOO का Neo 5 Vitality Edition चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। आपको इसके अंदर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी दोस्तों, और स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और 48 का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा। काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों ये स्मार्टफोन, और इसकी जो प्राइस निकल के आई है, यानी कन्वर्ट करके बताई चाइनीज प्राइस से, तो 26,000 के करीब देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये इंडिया में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि उससे भी कम प्राइस में आएगा, अगर आ गया तो तबाही मचा देगा दोस्तों उस प्राइस रेंज के अंदर। दोस्तों अगली खबर है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर आपको इरेंगल का मैप देखने को मिलने वाला है, और उसके अंदर आपको थोड़े ही चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। क्राफ्टर ने खुद टीज कर दिया है दोस्तों इसको, बाकी देखते हैं अब क्या देखने को मिलता है। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ कि पबजी मोबाइल जो इंडिया था उस जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों। उम्मीद यही करते हैं कि सिक्योरिटी अच्छी ही हो और ये इंडिया के अंदर बैन ना हो दोबारा से। दोस्तों अगली खबर आ रही है आसूस की 8 सीरीज की तरफ से। आसूस की जो 8 सीरीज होने वाली है, जो ग्लोबली लॉन्च हो चुकी थी, अब वो इंडिया में जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि आसूस की जो इंडियन साइट है उस पर ये लिस्टेड हो चुकी है दोस्तों, और काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और जिसका इंटरनेशनल प्राइस था 8 का वो था 50,000, और 8 फ्लिप का था वो 70,000 था दोस्तों, कन्वर्ट करके बताया तो। इंडिया के अंदर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इसका प्राइस कम ही हो, जब भी चल पाएगी ये 8 सीरीज दोस्तों, और इंडिया के अंदर इसका नाम 8Z और 8Z फ्लिप हो सकता है दोस्तों। दोस्तों यही हमारी टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।